मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। माय नेम इज सुमिल शर्मा एंड आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले जिसका नाम है बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट्स। एंड कहने के लिए शॉर्ट प्ले है बट इन द बुक ऑल्सो बहुत खींचा हुआ है, बहुत सारे पेजेस का है। सो काफ़ी आई मीन 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं पूरा प्ले कम्प्लीट करने के लिए, बट आई बेट यू कि इससे सिंपल लैंग्वेज में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाएगी ऑफ दिस प्ले। सो नाउ कमिंग बैक, नाउ बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट जो लिखा हुआ है नील ग्रांट ने, इसमें 4 मेन कैरेक्टर्स हैं एंड इनको हम विजिबल कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं। उस प्ले जो होता है वो स्टेज पे होता है एंड ये 4 कैरेक्टर्स आपको स्टेज पे दिखाई देते हैं एंड क्योंकि कैरेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो इनको हम बोलेंगे विजिबल कैरेक्टर्स। फर्स्ट कैरेक्टर इज ऑनरेबल लॉर्ड फिंटहॉर्न जो कि स्कॉटिश जज है। सेकेंड इज विलियम ब्रॉडी ऑफ एल्टन जो एक स्कॉटिश लैंड लॉर्ड है। थर्ड इज जीन लॉमन। जीन लॉमन को मिसेज लॉमन भी कहा गया है बहुत जगह प्ले में, सो डोंट गेट कन्फ्यूज कि मिसेज लॉमन कौन है और जीन लॉमन कौन है, ये सेम पर्सन है। अ पीजेंट वुमेन, एक गरीब सी औरत है। देन कर्नल लाइनल एलाजर्स जो कि चीफ कॉन्स्टेबल हैं। सो नाउ इनके अलावा इसमें जो प्ले में 3 इनविजिबल कैरेक्टर्स भी हैं उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। सो नाउ इंट्रोडक्शन, जो शॉर्ट प्ले है जो कि शॉर्ट प्ले नहीं है, बहुत ही लॉन्ग प्ले है इन द बुक, ये लिखा हुआ है नील ग्रांट ने, जो बता दिया आपको मैंने अभी। ये प्ले जो है एक मर्डर मिस्ट्री के बारे में है। मर्डर मिस्ट्री किसकी है? नेली साल्टर की। नेली साल्टर एक बहुत ही ब्यूटीफुल यंग वुमन बताई गई है इन द प्ले जिनका मर्डर हो जाता है। उसका मर्डर होने के बाद में किस किस पर शक आता है, कौन असली मर्डरर निकलता है, वो सब बताया गया है इस प्ले में, जिससे उसको बोला गया है मिस्ट्री प्ले। नॉट 2 पीपल जो इनको सस्पेक्ट किया जा रहा है इनके मर्डर को लेकर, एंड वो 2 लोग हैं, एक है हेक्टर लॉमन जो कि उसका लवर है लड़की का, एंड सेकेंड है हेक्टर लॉमन की मदर जो है जीन लॉमन या मिसेज लॉमन भी उनको कहा गया है। सो नाउ प्ले के बारे में, मिस्ट्री प्ले है ऑब्वियसली, जिसमें बहुत सारे राज होते हैं, राज जानने होते हैं, उसको मिस्ट्री प्ले ही बोलते हैं। एंड 4 विजिबल कैरेक्टर्स हैं जो बता दिए थे अभी। उस टाइम मैंने ये भी कहा था 3 इनविजिबल कैरेक्टर्स हैं, वो 3 इनविजिबल कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेली साल्टर जिसका मर्डर हुआ है इस पूरे प्ले में, सेकंड हेक्टर लॉमन जो कि उसका लवर है, एंड थर्ड इंस्पेक्टर साउटर। इंस्पेक्टर साउटर का एट द एंड ऑफ द प्ले काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है जो मालूम चल जाएगा। एंड इनको इनविजिबल कैरेक्टर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपको वहाँ पे स्टेज पे दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि जो बाकी 4 विजिबल कैरेक्टर्स हैं जो वो डायलॉग्स बोलते हैं उनके डायलॉग्स में इनका नाम बार बार आता है, तो हमें मालूम चलता है कि अच्छा ये पर्सन भी कोई है। नाउ सीन 1, मैंने इस प्ले को डिवाइड किया हुआ है सीन्स में तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा इसके बारे में। सीन 1 में क्या है कि जो स्टार्टिंग होती है प्ले की वो कैसे होती है, जज एंड ब्रॉडी द लैंडलॉर्ड आर हैविंग डिस्कशन ऑफ द मिस्टीरियस मर्डर ऑफ नेली साल्टर। जो जज एंड ब्रॉडी हैं ये दोनों बैठे हुए हैं और ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं नेली साल्टर के मर्डर के बारे में कि मर्डर किसने किया होगा, कैसे हुआ होगा, किसके पास स्ट्रॉन्ग रीजन था मर्डर करने का वगैरह वगैरह। ऑन द सस्पिशन बेसिस नेली'स लवर हेक्टर लॉमन वॉज अरेस्टेड। हेक्टर लॉमन को अरेस्ट किया गया था पुलिस द्वारा, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था क्योंकि वो नेली साल्टर का लवर था, तो उसके पास कोई ना कोई रीजन हो सकता था उसको मारने का। बट ही गॉट रिलीज लेटर एज नो एविडेंस वॉज फाउंड अगेंस्ट हिम। लेकिन बाद में उसको रिलीज कर दिया गया ऑन द बेल क्योंकि उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। हेक्टर्स मदर मिसेज लॉमन वॉज ऑल्सो सस्पेक्टेड बट शी अवॉइडेड द अरेस्ट बाय स्टेटिंग दैट शी वॉज बास्किंग इन द सन होल डे। हेक्टर की मदर मिसेज लॉमन पे भी सस्पेक्ट किया जा रहा था लेकिन उन्होंने ये कहकर उस बात को टाल दिया कि मैं तो दिन भर धूप सेक रही थी, मैं कहाँ वहाँ पर थी, मैं तो मर्डर सीन पर ही नहीं थी, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है लड़की के बारे में, तो उनको अरेस्ट नहीं किया गया। नाउ सीन 2, अब वो दोनों डिस्कस कर रहे हैं जज एंड ब्रॉडी। उस टाइम पर ही दे हर्ड अ नॉक ऑन द डोर एंड टू देयर सरप्राइज मिसेस लॉमन शोड अप। उनके दरवाजे पे नॉक होता है एंड उनके सरप्राइज को लेकर वहां पे कौन खड़ी होती है? मिसेस लॉमन। मिसेस लॉमन जो है जो कि हेक्टर की मदर है एंड हेक्टर कौन है? नेली साल्टर का लवर, डोंट फॉरगेट दिस। नाउ शी केम देयर इन द मिडल ऑफ द पिच डार्क नाइट टू थैंक द जज फॉर रिलीजिंग हर सन। वो इतनी अंधेरी रात में पैदल चलकर वहां पे सिर्फ थैंक यू बोलने आई थी जज को, क्योंकि जज ने उनके बेटे को रिलीज कर दिया था ऑन द बेल। नाउ शी ब्रॉट अ बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट्स इन ऑर्डर टू थैंक हिम। उनको थैंक यू बोलने के लिए उन्हें एक बास्केट लाई थी, उस बास्केट में सी ट्राउट्स थे।
ना सीन थ्री, अब वो अंदर आ जाती हैं, वो आराम से बैठ जाती हैं. बैठने के बाद शी स्टार्टेड गिविंग सम डिस्क्रिप्शन ऑफ द डे व्हेन नैली गॉट मर्डर्ड. अब यहाँ से सस्पिशन उठता है क्योंकि जब उनको पूछा गया था, जब उनको सस्पेक्ट किया जा रहा था, एट दैट टाइम उसने बिल्कुल मना कर दिया कुछ भी बोलने से. उन्होंने ये कहा, मैं तो लड़की को जानती ही नहीं थी, जिस दिन उसका मर्डर हुआ मैं तो वहाँ पर थी ही नहीं, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है. बट एट दिस मोमेंट वो वहाँ पर बैठ कर पूरा डिस्क्रिप्शन बता रही है उस दिन का जब नैली का मर्डर हुआ. ना ये शॉक लगा जज को भी कि उसने उस टाइम तो कुछ कहने से मना कर दिया, बट अब भी सब कुछ बता रही है तो क्यों बता रही है. नाउ शी अनवेल्ड सच फैक्ट्स अबाउट नैली विच वर नॉट नोन टू मैनी पीपल. ये ही नहीं, उसने ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताए नैली साल्टर के बारे में जो बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं थे, जो सिर्फ उसको मालूम थे. She told them how Nelly loved to play with the feelings of men, how she treated them, how much she loved to see them die for her. उसने ये बताया in short कि Nelly Salter was not a good woman. वो लड़कों की feelings के साथ में खेलती थी, उनको अपने जाल में फंसाती थी, अपने काम निकलवाती थी, फिर छोड़ देती थी, फिर दूसरे तीसरा ऐसा पकड़ती रहती थी हर किसी को, मतलब अपना काम पूरा करती थी बस. So उसने ये सब बताया उनको, जज को और ब्रॉडी को. ब्रॉडी was also sitting there. Now Mrs. Loman did not like her as Nelly had trapped her son also. लेकिन जब नैली ने उसके बेटे को भी फंसा लिया तो मिसेज लॉमन को बहुत गुस्सा आया. उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी वो जानती थी उसके बारे में हर एक चीज़ को, लेकिन उनका बेटा सुनने को तैयार नहीं था. ही वॉज हेड ओवर हील्स इन लव विद हर. उसको उससे इतना प्यार हो गया था कि उसे कुछ और दिखाई ही नहीं देता था. तो मिसेज लॉमन काफ़ी चिंता में थी कि अब उनके बेटे का क्या होगा. अकॉर्डिंग टू मिसेज लॉमन, हर सन वुड हैव बिकम अ गुड हस्बैंड इफ नैली वुड हैव बीन अ गुड गर्ल. उन्होंने ये भी कहा कि उनका बेटा काफ़ी शरीफ था इन कंपैरिजन टू नैली साल्टर. अगर नैली साल्टर एक अच्छी लड़की होती तो वो उससे शादी कर लेता एंड काफी अच्छा हस्बैंड भी बनता. नाउ मर्डर नाइट, नाउ शी एक्सप्लेन द मर्डर नाइट ऑल्सो. उन्होंने ये कहा, दैट नाइट नैली वॉज गेटिंग रेडी टू मीट एन एयर मैन. शी ड्रेस्ड अप ब्यूटिफुली एंड पुट ऑन हर मेकअप. देन शी लेफ्ट द होम एंड मूव्ड अप एंड डाउन द हिल. While walking, she was continuously uttering that she is the most beautiful and powerful. No man can turn her down. She can do anything. Nobody can stop her. अब उस बात कहते हैं नैली जो होती है काफ़ी रेडी होके निकलती है घर से, काफ़ी मेकअप लगाती है, अच्छे कपड़े पहनती है क्योंकि किसी और से मिलने जा रही होती है. जबकि उसका लवर होता भी है जो कि हेक्टर लॉमोंट है, उसके होने के बावजूद वो किसी और मैन से मिलने के लिए जा रही होती है. एंड जब वो जाती है रास्ते में तो वो उसके आस पास जैसे पेड़ वगैरह आते हैं, पहाड़ आते हैं, जो भी हिल साइड जो भी बताई गई है, उन सबको बोलती जाती है कि मैं सबसे ब्यूटीफुल हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ. अगर मैं यहाँ से मूव दिखाऊँ किसी लड़के के लिए तो वो मुझे टर्न डाउन नहीं कर सकता, मतलब उसको हाँ तो बोलना ही पड़ता है. एंड मुझे लड़कों से जो करवाना है मैं करवा सकती हूँ, अपनी सारी विशेस पूरी कर सकती हूँ, तो मैं मुझे कोई नहीं रोक सकता एंड मुझे जो करना है मैं वो करूँगी. सो ये सभी बातें सुनकर जज एंड ब्रॉडी को लगता है कि मिसेस ग्लोमन को कैसे मालूम है कि वो किस रास्ते से गई, वो किससे मिलने जा रही थी, उसे क्या बोला रास्ते में. अब ऑब्वियसली अगर कोई किसी का पीछा कर रहा होगा तो उसको ये सब चीज़ें मालूम होंगी. After hearing to Mrs. Loman murder night description, Judge and Brody came to the conclusion that it was none other than Mrs. Loman who had killed Nelly. सब कुछ सुनने के बाद में Judge and Brody को मालूम चल जाता है कि Nelly Salter को मारने वाला और कोई नहीं था बल्कि Mrs. Loman ही थी. As she knew all about that night, which she completely refused to tell in the court. उसने जो बातें कोर्ट बताने से सख्त मना कर दिया था वो सारी बातें आज आराम से बैठ कर वहाँ पे जज को बता रही थी. They thought that Mrs. Loman might have followed Nelly that night and then shot her. उन्होंने भी यही सोचा कि Mrs. Loman ने Nelly को follow किया है रात के time पे and उसको फिर मार दिया है. Now the judge requested her to eat something and take rest and thus shifted her to the next room. Meanwhile, both of them, judge and Brody, started examining the case again. Now judge उसको request करते हैं कि आप please कुछ खा लीजिए and rest कर लीजिए क्योंकि आप इतनी दूर से पैदल चलकर आए हो. तो वो उसको दूसरे रूम में भेज देते हैं एंड उसको भेजने के बाद में जज एंड ब्रॉडी दोनों आपस में डिस्कस करने लगते हैं जो भी उसने मिसेज लॉमोन ने उनको बताया था. Now scene 5.
कर्नल एलाजस हु इज इन चार्ज ऑफ द नैली साल्टर मर्डर केस हॉप्स इन द रूम. अब उसके रूम में जाते ही किसके रूम में जाते ही मिसेस लोमोन के, वहाँ पे एंट्री होती है कर्नल एलाजस की. कर्नल एलाजस जो है उनका वो चार्ज में थे नैली साल्टर मर्डर केस के. जज एंड क्लॉडी टेल हिम एवरी थिंग अबाउट द विजिट ऑफ मिसेस लोमोन एंड द स्टोरी शी टोल्ड देम. जज एंड क्लॉडी ने उनको सारा कुछ बता दिया कि जो जो मिसेस लोमोन ने उनको बताया था, जैसे वो यहाँ पर आई थी उसने हमें ये बात बताई वो बात बताई. लेकिन कर्नल रिजेक्टेड द स्टोरी इमिडिएटली. उसने फटाफट स्टोरी को रिजेक्ट कर दिया एंड इन्फॉर्म देम दैट द बॉडी ऑफ मिसेस लोमोन वॉज ऑलरेडी फिश्ड फ्रॉम द लेक बाय वन ऑफ हिज ऑफिसर्स मिस्टर साउटर. एंड उनको ये बताया कि आप जो बोल रहे हो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर साउटर कौन है, फोर्थ विजिबल कैरेक्टर, उन्होंने उसकी बॉडी को अभी भी लेक से बाहर निकाला है. अब जो इंसान मर चुका है वो कैसे आपको आके अपनी सारी बातें बताएगा? तो कर्नल ने उनकी बात को बिलीव नहीं किया. After listening to this, both of them got so much confused that they didn't accept the fact. लेकिन जज एंड ब्रॉडी थे वो इतने confused हो गए कि उन्होंने मानने से इनकार कर दिया. अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो हमारे सामने बैठी हुई थी, अभी वो कैसे मर सकती है. So, scene 6. Judge tried to call Mrs. Lowen from the room he had sent her to prove the fact that she was not dead. But to his surprise, the room was empty. तो जज ने अपनी बात को प्रूव करने के लिए उसको आवाज लगाई मिसेज लोमोन को रूम से बाहर आने के लिए, लेकिन वो बाहर जब नहीं आई एंड वेन दे entered into the room, तो उन्हें देखा कि रूम जो था बिल्कुल खाली था. कर्नल गेट्स अ कॉल फ्रॉम मिस्टर साउटर एंड ही इन्फॉर्म्स हिम अबाउट द लेटर विच मिसेज लोमोन हैड रिटन बिफोर कमिटिंग सुसाइड. कर्नल ने कॉल किया मिस्टर साउट कर्नल कॉल आता है मिस्टर साउटर से एंड वो उसको बताते हैं कि मरने से पहले मिसेज लोमोन एक लेटर लिखा है. And in the letter, she had admitted the fact about killing Nellie Salter and described the whole scene of that night, just how she described to Judge and Brody few moments back. उस letter में उसने admit किया था कि उसने उसको मारा है Nellie Salter को and वो पूरा scene describe करती है same उसी तरीके से जिस तरीके से उसकी soul ने आकर Judge and Brody को describe किया था. एंड वो सब सुनने के बाद में कर्नल को लगता है कि ये बातें तो मुझे जज एंड ब्रॉडी ने बताई अभी, लेकिन इनको कैसे मालूम हो सकती है, वो तो लेटर में लिख कर गई हैं. तो कर्नल को शक होता है कि यहाँ पर मिसेस लोमोन नहीं, मिसेस लोमोन की सोल आई थी जिसने इनको सब कुछ बताया था. She was afraid of getting her son involved as suspect again in this case. That's why she admitted her fault and committed suicide. उनको डर था कि उनका बेटा वापस इस केस में ना फंस जाए, तो इसलिए उन्होंने एडमिट कर लिया अपनी गलती और सुसाइड कर लिया. Now hearing the same story from both the sides, Colonel also gets scared. और काफ़ी डर जाता है कि सच में यहाँ पे भूत वगैरह आ गया था. Now all three of them realize that it was the soul of Mrs. Lowen who came there to thank the judge for releasing her son. And for the proof, they found the basket full of seed sprouts at the door outside the room. So at the end में तीनों को ये realize हो जाता है कि जो वहाँ पर आई थी Mrs. Lowen नहीं थी, बल्कि उसकी soul थी जो उनको thank you बोलने के लिए आई थी. एंड पार उसने अपना admit कर लिया था, अपना पूरा crime भी कि उसने Nellie Salter को मारा, कैसे मारा वगैरह वगैरह सब कुछ उसे बता दिया था. एंड एज अ प्रूफ उनको डोर पर बास्केट मिलती है जो सीड क्राउड्स होते हैं. एंड वो प्रूफ था कि मिसेज लोमोन वहाँ पर आई थी, क्योंकि उस सीजन में सीड क्राउड्स को लेक से निकालना बहुत मुश्किल होता है, दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो जब वो उन्होंने वो बास्केट देखी तो उनको समझ में आ चुका था कि यस यहाँ पे सोल आई थी जिसने हर चीज़ एडमिट किया, अपना गलती एडमिट करी और सारा सच हमें बताया. सो उसने ये सुसाइड इसलिए कमिट किया ताकि उसका बेटा फंस ना जाए, उनको जेल भी नहीं जाना था. तो उन्होंने बेटे को बचाने के लिए पहले Nellie Salter से उसको Nellie Salter को मार दिया एंड पुलिस से बचाने के लिए खुद कमिट कर लिया सुसाइड और अपने लेटर में अपना जो गलती थी उसको एडमिट कर लिया. I hope you understood. If you're having any doubt, check and comment down. Thank you.